वही बेकार है बीजेपी की, इसका आमदार भगाने का, उसको फोड़ने का, उसको फोड़ने का, जो जो लोग चुन के देते हैं, तो जो आमदार, मैं तो बोलता है कि जो आमदार चुन के जाता है ना, उसकी घर की प्रॉपर्टी नहीं है। तुमको अगर पक्ष बदलना है ना, तो राजीनामा दे दो और वापस तुम्हारे हीरे मिले में चुन के दिखाओ तुम मर्द का बच्चा है और असली बाप का बच्चा है। ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कड़क कानून होना चाहिए। और ये इसको उसको पार्टी को धोखा नहीं, ये जनता मत देने वाले को धोखा है। और ये टाइम में वो नहीं होएगा, सब पक्ष तीनों पक्ष हमारे अच्छे अच्छे चुन के जाएंगे, मर्द के बच्चे चुन जाएंगे और विश्वास पात्र लोग चुन के जाएंगे। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त खड़ा हूँ वसई विधानसभा 133 में। 133 में इसमें माहौल क्या चल रहा है, यहाँ पे कौन जीत के आने वाला है, इस पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है काफी संघर्ष भरा है। हमारे साथ में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार विजय पाटिल जी हैं, उससे हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, सबसे संवाद कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो माहौल अभी बना हुआ है उसे विधानसभा का कैसा है? देखो, कोई भी अच्छा काम करना है और अनाज उगाना है तो पहला मशागत करना पड़ता है, 2 महीना पहला ही। ऐसा 10 बरस से हम लोग वसई के जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम के ऊपर हमारे मिलिंद खानोलकर साहब है, साइमन साहब है और हमारे बहुत से सहकारी कार्यकर्ते, उनके माध्यम से हम लोग ने बहुत आंदोलन किया कि वसई का जो पानी का सवाल है और इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है, ट्रैवलिंग का सवाल है, हेल्थ का सवाल है, तो बहुत से सवाल से लोग इधर बहुत त्रस्त है और डेवलपमेंट है और रेसिडेंशियल रुकती नहीं, मगर लोगों को हाथ को काम देने के लिए कोई आज तक नियोजन नहीं है। तो लोग आएंगे इधर मगर उनको काम भी मांगता है। और दूसरी बात के इधर के भूमि पुत्र है वो ज्यादा ज्यादा नए छोकरे लोग, यंग छोकरे लोग अच्छे पढ़ाई करके फॉरेन में भाग रहे, इधर ट्रैवलिंग का ट्रेन का प्रॉब्लम है, ये चढ़ नहीं सकते ट्रेन पे। और दूसरा, ट्रेन के बिना मुंबई जाने का है तो कोई अधिकार नहीं, क्यों खाड़ी है सामने, तो हाईवे से जाएगा तो हाईवे का भी हालत खराब है, कोई एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकता है, न टाइम पे काम पे पहुंच सकता है। तो वसई में ये जो प्रॉब्लम है इसकी सोच है वो वसई वाले ने बहुत पकड़ लिया है और वो सोचते हैं कि वसई में जितने भी डेवलपमेंट है वो रेसिडेंशियल से बराबर अमर को इंडस्ट्रियल भी आना चाहिए, इधर आईटी पार्क होना चाहिए, इधर स्मार्ट सिटी का नियोजन होना चाहिए। ये लोग खाली भाषण पे बोले मगर स्मार्ट सिटी के लिस्ट में ये वसई का नाम ही नहीं है। और जो आईटी पार्क वो लोग ने बोले कि सॉल्ट अपना गोखते सॉल्ट में जमीन पे डालेंगे, वो एनडी जोन है और वो पानी का निचरा होने के लिए उधर वो जमीन खाली रखना बहुत जरूरी है। और हमारे हाईवे पे जो अच्छी लैंड है मुंबई के नज़दीक से, इंडस्ट्रियल के लिए बहुत अच्छे है, अगर उधर स्मॉल केस इंडस्ट्रियल डालते तो प्रॉब्लम नहीं होता था। आज जो भी उधर इंडस्ट्रियल है ना, ज़्यादा करके इनलीगल है, बहुत से हम लोगों ने कंप्लेंट दिया, फोटो निकाल के दिया, मगर ये आयुक्त और उसकी टीम क्या करती है, थोड़ा सा कार्रवाई करते और उनको जाके बोलते कि जाओ कोर्ट में और स्टे ले लो, और इनको वो सहकार करके उनको बचाते हैं। और उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट का टैक्स का भी नुकसान करता है बहुत सा, ये लोग अपने जेब भरते हैं अधिकारी लोग, और इधर प्रशासन को उधर पकड़ नहीं, लोक नेता का उसके ऊपर पकड़ होना चाहिए कि तुम क्या करते है, मैं इधर का लोक नेता है, मैं चुन के आया है, ये भ्रष्टाचार क्यों करते, तुम इनलीगल काम क्यों बढ़ा के देते, उसका तुम लोग मतलब जो होना चाहिए ये कायदे क्या कायदेशीर होना चाहिए, तो लोगों सरकार को भी टैक्स मिलेगा और लोगों को अच्छा काम मिलेगा, अच्छी अच्छी फैक्ट्री आएंगी। इधर जो अच्छी जमीन है, जो वेटलैंड हाई नहीं, वो डाल के अड़ाते हैं, कौन वो आयुक्त है वो, और सीआरजेड डालते हैं जानबूझ के और बोलता है कि मंत्रालय से ये लेके आओ वो लेके आओ, और इसके ऊपर लोक नेता ने कंट्रोल होना मांगता है और लोगों के साथ होना पड़ता है, इंडस्ट्रियल के साथ होना, इंडस्ट्रियल है वो अपना देश का भवितव्य उनके हाथ में है कि वही तो काम को हाथ को काम दे सकते हैं ना, तो उनको कोई सहारा नहीं है, मैं देखता है तो इसलिए बहुत त्रस्त है। पानी का तो बहुत ही प्रॉब्लम है, आज अपना पालघर जिले का पानी मीरा भाईंदर लोग लेके जा रहे हैं, तो पहला इधर देना चाहिए ना,
पहले इधर सुविधा देना चाहिए ना, वो नहीं हो रहे हैं। तो हम लोग जैसे अभी लोग हमारे साथ में है और मतलब अच्छे 25-30 हज़ार से हम मेरी सीट निकल के आने वाले हैं, और जब मेरे वसई कर हमको विधानसभा में भेजेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स है वसई के वो मैं पूरा करेंगे। हमारे जो स्वर्गवासी अभी फादर दी फ्रांसिस ब्रिटो, ये अभी स्वर्गवासी हो गए, उनका एक संकल्प था कि वसई जो हरित है वो हरित रहनी चाहिए और वसई में पर्यावरण अच्छे तरफ से होना चाहिए। उनका संकल्प है वो हम लोग पूरा करेंगे हमारे कार्यक्रम, और जो वसई का हरित पट्टा है वो हरित रहेंगे, लोगों की मांग पूरी करेंगे। सर 2019 विधानसभा में आप मात्र 15,000 वोटों से हारे थे, इस बार वो जो गैप 15,000 का था, अब कितना ज्यादा वोट मिलेगा उसको? नहीं, उससे हम लोग का अभी जो वोट है वो 4 या 5 गुना बढ़ गए हैं। और वो जो प्रॉब्लम हुआ था वो बीजेपी ने स्टेशन पे वो हमारे खिलाफ एक रणनीति किया था कि हितेंद्र ठाकुर अपने को साथ देने वाला है तो ये वोट उनको घुमाओ। ये मेरे को पक्का मालूम है, मैं हितेंद्र ठाकुर को दोष नहीं देता है, देसा है तो उधर के कार्यकर्ते के और जिसने उनको आदेश दिया उनको देता है कि युति धर्म उसने पाला नहीं। बहुत से हमारे तरे साहब खड़े थे, उनके खिलाफ डायरेक्ट खड़ा किया और मेरे रणनीति हो गई, पालघर में भी हो गई, सब जगह ऐसे ही हो गया। इसलिए तो उद्धव जी को ये पसंद नहीं है कि ऐसे धोखेबाजी, जो बाड़ा साहब के मतलब जो महाराष्ट्र के एक बड़े नेते और हृदय सम्राट जिसको बोला जाते थे, उनको इनको बीजेपी के जो महाजन थे और मुंडे साहब थे उनको बच्चे के जैसा पाल के उनको सपोर्ट किया और बीजेपी को बढ़ाया, और बीजेपी ने उसके बेटे के ऊपर खंजीर मारा। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है, धोखेबाजी। जैसा अब्दुल खान के महाराज को मारने का कोशिश किया था वही उसने कोशिश किया है, मगर उद्धव जी के साथ में पूरी महाराष्ट्र है और उद्धव जी को बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता, इतना मैं बोलता है। सर उत्तर भारतीय वोट बैंक भी यहाँ पे, उत्तर भारत के लोग हैं, बिहार के लोग यहाँ पे हैं, और लगातार बीजेपी की तरफ से वहाँ के जो एक्टर है मनोज तिवारी सांसद उनको लाया जा रहा है, रवि किशन को कल लाया गया था, योगी जी भी आने वाले हैं, तो जो उत्तर भारतीय वोट बैंक को लेके ये सब किया जा रहा है आपको क्या लगता है? वो बड़े नेते होएंगे ना तो वसई को नागरिक को पहला प्रॉब्लम पूछेंगे, पक्ष बढ़ाने के लिए आना ये बेकार है, इधर के लोगों का प्रॉब्लम पहला करो तो हम लोग तुमको बड़ा करेंगे। मगर ये जो रणनीति चलते ना वही बेकार है बीजेपी की, इसका आमदार भगाने का, उसको फोड़ने का, जो लोग चुन के देते हैं, तो जो आमदार, मैं तो बोलता है कि जो आमदार चुन के जाता है ना उसकी घर की प्रॉपर्टी नहीं है। तुमको अगर पक्ष बदलना है ना तो राजीनामा दे दो और वापस तुम्हारे हीरे मिले में चुन के दिखाओ तुम मर्द का बच्चा है और असली बाप का बच्चा है। ये नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कड़क कानून होना चाहिए, और ये इसको पार्टी को धोखा नहीं, ये जनता मत देने वाले को धोखा है, और ये टाइम में वो नहीं होएगा। सब पक्ष, तीनों पक्ष हमारे अच्छे चुन के जाएंगे, मर्द के बच्चे चुन जाएंगे और विश्वास पात्र लोग चुन के जाएंगे, और महाराष्ट्र में हमारा राज आएगा, महाविकास आघाड़ी राज का हमारा सीएम बनेगा, और पुरोगामी राज्य जो है रहते का राज्य, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे वो क्या बोलते थे, भोसले का राज्य नहीं है, रहते का राज्य है, और रहते का राज आने वाला है, खेती वाले का राज आने वाला है, बड़ी राजा का राज्य आने वाला है और लोगों का राज आने वाला है, और उसमें महिला का सम्मान होने वाला है, महिलाओं को 3-1.5 के जगह 3,000 रुपए देने वाले, और बस का जो सुविधा है वो पूरा होने वाला है, हेल्थ का सुविधा बहुत अच्छा होने वाला है, हमारा जो जाहिरनामा निकला है बहुत अच्छा है, और उसके जो जाहिरनामा निकला उसका विश्वास लोगों को करेंगे और अच्छे तरफ से हमारा राज आएगा। बीजेपी वाले भी लाडली बहन योजना निकाले हैं, वो 1,500 है ना, मगर जो गैस का प्रॉब्लम देखो ना, उधर महंगाई करते, आज 700 रुपया किलो लहसुन है, तेल कितना महंगा है, बहुत सी खाने की चीज है वो महंगे, मेन तो चूल्हा महंगा हो गया है, तो वो 1,500 देने का और उधर 15,000 का खर्चा बढ़ाने का, तो 1,500 का फायदा क्या है, वो तो सोचे ना, उससे अच्छे महंगाई कम करो ना, तो हमारे बहने खुश हो जाएंगे, घर घर के में नल दे दो ना, आज इधर उधर भटकते पानी के लिए वो अच्छा है क्या, पुनः टैंकर लॉबी वसई में चल रही है वो अच्छा है क्या, माड़ा के जो कॉम्प्लेक्स बने उधर रहने को कोई आते नहीं क्यों, पानी नहीं है। सर अगर आप जीत के आते हैं
तो सबसे पहले वसई विधानसभा में क्या बदलाव करेंगे? मैं जीत के आते नहीं, मैं आने वाला है, ये पहला ही आपको बोलता है। और जो भी ये प्रॉब्लम है वो झटके में निकालेंगे, क्यों? हमारा तीनों जो हमारे नेते है, सन्मान्य उद्धव जी होंगे, सन्मान्य पटोले साहब होंगे, सन्मान्य पवार साहब होंगे, तो पवार साहब तो बहुत पुराने नेते है, और अभी उनके वसे के ऊपर उनका भी प्रेम है, हमारा कांग्रेस का भी प्रेम है, और उद्धव जी का तो बहुत ही प्रेम है, क्यों? हमारा 29 गांव का जो उसने एफिड्यूट करना है, जो बहुत सा हमारा प्रॉब्लम ढीला किया, ये लोग ने तकलीफ दिया करके रुका हुआ है, मगर जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ है और कोर्ट का ऑर्डर या आयुक्त तो कंटेम कर रहे हैं, आज उनके ऊपर हम लोग ने सूट दाखिल किया है और उसको फ्राइडे को नोटिस आने वाली है, और कंटेम के कारण उसको जवाब देना पड़ेगा और गांव का ग्राम पंचायत खोलना पड़ेगा। शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ में थे वसई विधानसभा 133 के महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार विजय पाटिल जी। इनका दावा है कि इस बार जीत के आएंगे, अगली बार चुक गए थे, अब नहीं चुकने वाले हैं। देखना होगा, 20 नवंबर को चुनाव होगा और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा और साफ हो जाएगा आखिरकार वसई विधानसभा किसके हाथ जाता है।